हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बात करने वाला हूँ डेडपुल 3 फिल्म के प्लॉट की कुछ डिटेल्स के बारे में, और उसके अलावा इस फिल्म के नए डायरेक्टर का भी नाम आगे निकल कर आया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही निकल कर आता है कि क्या इन सभी बातों में जरा सा भी दम है या नहीं। वेल, देखा जाए तो ये बहुत बड़ी खबर है, अगर ये रूमर के तौर पर भी निकल कर आई है तो, क्योंकि इस रूमर के साथ नाम जुड़ा हुआ है रॉजर वॉल्डर का। अब वो कौन है, उन्हीं सभी डिटेल्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बट आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपको मेरा काम जरा सा भी पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में इस फिल्म के प्लॉट से रिलेटेड क्या डिटेल्स निकल कर आई है, और इस फिल्म की सीरीज के थर्ड पार्ट को कौन डायरेक्ट करेगा। वेल, सभी को पता है कि रियान रेनॉल्ड्स फिलहाल तो इन दिनों मार्वल स्टूडियो के बहुत सारे चक्कर काट रहे हैं, जिसका रीजन ऑब्वियसली डेडपूल फिल्म का थर्ड पार्ट है, जिसे अभी तक एमसीयू की तरफ से ग्रीन लाइट नहीं मिली है। यहां तक कि एमसीयू के स्लेट भी रिलीज हुए थे, जिसकी पूरी अपडेट आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, जिस अपडेट में अनफॉर्चुनेटली डेडपूल 3 फिल्म का जिक्र तक नहीं है, और ये चीज इसके क्रिएटर रॉब रिफाइल को बहुत ज्यादा टेंशन में डाल रही है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग डेडपुल 3 फिल्म क्या अभी तक फोर्थ फिल्म भी आ जाती अगर इस फिल्म का यूनिवर्स अभी भी फॉक्स के अंडर होता तो। बट ऐसा कुछ दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा, और इसी के चलते रॉब से लेकर डेडपुल की सारी टीम बहुत ज्यादा नाराज है। यहाँ तक कि खुद डेडपुल के कैरेक्टर का रोल प्ले करने वाले एक्टर रियान रेनॉल्ड्स भी, जिन्हें अब फिलहाल तो ये नहीं पता कि एमसीयू के यूनिवर्स में डेडपुल 3 फिल्म कब बनेगी। खैर, इस पर पूरी डिटेल वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, जिसे देखकर आपको एक्चुअल में ये सारी की सारी डिटेल्स पता चलेगी कि ये सारी की सारी कंट्रोवर्सीज है क्या, जिस अपडेट को भी आकर ज्यादा महीने हुए नहीं है। ऐसे में अब एक अपडेट निकल कर आई है, वो भी ये बताती हुई कि इस फिल्म के थर्ड पार्ट को डायरेक्ट करने के लिए जिस डायरेक्टर का नाम आगे आया है वो और कोई नहीं बल्कि माइकल बे है। जी हाँ, माइकल बे, जिनके साथ इसके पहले रियान रेनॉल्ड्स की पूरी टीम ने मिलकर 6 अंडरग्राउंड जैसी फिल्म बनाई थी नेटफ्लिक्स के लिए, जो कि एक्शन से भरपूर थी। भले से ही फिल्म को क्रिटिक्स अच्छी रेटिंग क्यों ना दे, लेकिन फिर भी फैंस उस फिल्म को देखकर अच्छा खासा एंटरटेन हुए थे। यानी अगर देखा जाए तो माइकल बे जिन चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस रखकर फिल्में बनाते हैं वो है फिल्म के एक्शन और हाँ एक्सप्लोशन, और उसके अलावा फिल्म में दिखाई गई लड़कियां, क्योंकि उन्हें ग्लैमर बहुत ज्यादा पसंद है। और अगर डेडपुल में इन सभी चीजों को डाला जाए तो डेडपुल का आने वाला थर्ड पार्ट भी मेरे हिसाब से माइकल बे के नाम के साथ अच्छी तरीके से मैच भी हो रहा है। यानी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कि माइकल बे इस फिल्म की सीरीज का थर्ड पार्ट डायरेक्ट करे, बस होना ये चाहिए कि फिल्म का प्लॉट दमदार हो, क्योंकि अगर फिल्म का प्लॉट दमदार होगा तो डेफिनेटली माइकल बे उस फिल्म के थर्ड पार्ट को भी बहुत ज्यादा अच्छा बनाएंगे, ही ट्रांसफॉर्मर की सीरीज के फर्स्ट पार्ट की तरह। और इसके अलावा भी माइकल बे ने अपने करियर में काफी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई है, जो मुझे लगता है उनके फैंस को काफी अच्छी तरीके से पता है। तो यहाँ तक डायरेक्टर को लेकर जो भी डिटेल्स है वो मैंने आपको दे दी है कि ये रूमर माइकल बे का नाम आगे सजेस्ट कर रही है। और अब बात करते हैं डेडपुल 3 फिल्म के प्लॉट की कुछ डिटेल्स के बारे में, जिसे रिवील करने का काम ऑब्वियसली रॉजर ने किया है, वो भी अपने ट्विटर अकाउंट से। और अगर आपको रॉजर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि रॉजर एक ऐसे शख्स थे जो एमसीयू की कोई भी रूमर अगर निकाल कर लाते वो 100% रियल ही निकलती। जी हाँ, क्योंकि अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 जैसी फिल्म की भी काफी सारी डिटेल्स रॉजर ने एग्जैक्ट सही दी है, और थोड़ी बहुत अवेंजर्स एंड गेम फिल्म से रिलेटेड डिटेल। और इस ट्विटर अकाउंट को साल 2018 के एंड में बनाया गया था, यानी दिसंबर के मंथ में, और 2019 के जून के मंथ में इस अकाउंट को बंद कर दिया गया, और उसके बाद इसी नाम से एक और दूसरा ट्विटर अकाउंट भी खोला गया, और ये सारी की सारी डिटेल्स वहीं से निकल कर आई है, जो रॉजर के लास्ट अपडेट के एक महीने पहले ही बना लिया गया था। और अब उस पर टोटल 3000 के आसपास फॉलोअर है, और पुराने वाले अकाउंट पर लगभग 30,000 फॉलोअर्स। और अब डेडपुल के प्लॉट की डिटेल की बात करें तो रॉजर के अकॉर्डिंग इस फिल्म की कहानी फोकस करेगी डेडपुल किल्स फॉक्स मार्वल यूनिवर्स पर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, यानी कि डेडपुल के कैरेक्टर से एमसीयू अपनी सारी की सारी टाइमलाइन को क्लियर करवा सकता है, जो टाइमलाइन फॉक्स के एक्समैन फैंटास्टिक 4 जैसी फिल्मों को बनाकर फॉक्स ने क्रिएट की थी, जिसकी एक झलक हमने डेडपुल 2 फिल्म के एंड में भी देखी थी कि किस तरीके से डेडपुल टाइम ट्रेवलिंग कर अपनी पुराने की गई गलतियों को सुधारता है, खास करके ग्रीन लैंटर्न फिल्म में काम करने से खुद को रोकना, और हाँ, डेडपुल के सबसे सड़े हुए वर्जन को भी मारना। और ऐसा ही कॉन्सेप्ट अगर फिल्म के थर्ड पार्ट में हमें देखने मिलता है तो डेफिनेटली फिल्म बहुत ही हटकर बनाई जाएगी, क्योंकि डेडपुल का कैरेक्टर ही एक ऐसा कैरेक्टर है जो इन सभी चीजों को मजाक के तौर पर भी करेगा, जिससे लोगों को भी ये चीज काफी आसानी से समझ आ जाएगी कि फॉक्स के मार्वल यूनिवर्स को किस तरीके से डेडपुल ने खत्म कर दिया, वो भी हमसे बात करते करते, ठीक इसकी डेडपुल किल्स मार्वल यूनिवर्स की तरह, जिस कॉमिक बुक में भी कहानी को इसी तरीके से दिखाया गया था, लेकिन उसका मार्वल की दूसरी कॉमिक बुक से कोई भी लेना देना नहीं था। बस इससे फैंस को यही बताना था कि डेडपुल का कैरेक्टर अपनी लिमिट से कैसे आगे जाकर मार्वल के पूरे यूनिवर्स को खत्म कर सकता है। वैसा ही अगर हमें कॉन्सेप्ट देखने मिलेगा तो
डेफिनेटली डेडपूल 3 फिल्म को लोग बहुत ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि फॉक्स के यूनिवर्स में डेडपूल 3 फिल्म के पार्ट की जो कहानी थी वो सीधे सीधे हमें एक्सफोर्स टीम की कहानी की तरफ ले जा रही थी, जिस प्लान को ऑब्वियसली एमसीयू ने पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया है। यानी उस कहानी को केविन फैगी ने उठाकर कचरे के डब्बे में फेंक दिया है, यहाँ तक कि फॉक्स के बाकी दूसरे प्रोजेक्ट्स भी, जिसमें गैम्बिट की एक सोलो मूवी भी शामिल है। ऐसे में इस फिल्म के थर्ड पार्ट को बनाने के लिए एक अलग कहानी तो चाहिए ही, जो कि मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ठीक रहेगी। और ऐसे ही चलकर डेडपूल की एंट्री एमसीयू के यूनिवर्स में भी काफी आसानी से हो जाएगी, वरना चीजें एक दूसरे से कनेक्ट करना अभी के लिए तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन से भरा हुआ है, और शायद इसी पर एमसीयू भी काम कर रहा है। इसलिए बार बार रायन रेनॉल्ड्स अपने आइडिया के साथ मार्वल के हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं, स्टूडियो, और उनके सामने डेडपूल के कैरेक्टर से रिलेटेड काफी सारी डिटेल्स रखते हैं कि किस तरीके से वो इस कैरेक्टर को आगे एमसीयू के यूनिवर्स में प्ले करना चाहते हैं। यानी रायन रेनॉल्ड्स और उनकी टीम भी ऐसे ही किसी सोल्यूशन के पीछे भाग रही है, और अब तक जैसे कि मैंने कहा एमसीयू की तरफ से ग्रीन लाइट नहीं दी गई है। और ऐसे में रॉजर का ये ट्वीट जब निकल कर आता है तो लोग डेफिनेटली उस पर बात तो करेगी ही, लेकिन मैं अब जाने से पहले ये बात आपको साफ साफ बता दूं कि मैं नहीं मानता कि रॉजर का नया ट्विटर अकाउंट उसी असली रॉजर का है। हो सकता है कि ये एक फेक अकाउंट हो, क्योंकि अब तक जितनी भी अपडेट इस नए अकाउंट से दी गई है उन सभी में कुछ खास दम अभी तक निकल कर नहीं आया है, बट ये खबर कवर करना तो बनता ही है, क्योंकि काफी लोग इस पर बात भी कर रहे हैं और कई यूट्यूब चैनल पर इस पर वीडियो भी बनाए गए हैं। इसलिए मैंने इस वीडियो को बस सिर्फ और सिर्फ आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए बनाया है, लेकिन आइडिया अभी भी कहूंगा सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और अगर ऐसी कोई प्लानिंग सच में की गई है तो फैंस तो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे डेडपूल 3 फिल्म देखने के लिए। तो अब आपकी क्या राय है इस रूमर को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आप इस टाइप की वीडियोस मेरे इस चैनल पर चाहते भी है या नहीं, क्योंकि आज की तारीख में सोशल नेटवर्किंग पर काफी सारी फेक न्यूज भी चलती है और काफी कम रियल, इसलिए लोग जल्दी उन फेक न्यूज पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। इसलिए इस कंटेंट को मेरे चैनल पर कंटिन्यू रखना है या नहीं उसे आप इस वीडियो को लाइक कर भी मुझे बता सकते हो, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम कर। और हाँ, इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और लगे तो इस बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।